विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा स्कूल में बच्चों को थप्पड़ मारने और बच्चों से तू तड़ाक से बात करने वाले मामले में अब विपक्षी दल कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस की प्रवक्ता किरण धांटा ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से की है। इस मामले में विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। किरण धांटा ने कहा कि विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने स्कूल में औचक निरीक्षण के दौरान जिस तरह से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया और बच्चों को मारा है, वे दुर्भाग्यपूर्ण है। वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है और विधानसभा के ऊपर उपाध्यक्ष भी है। इस तरह की उनकी हरकत शर्मनाक है। स्कूलों में उन्हें व्यवस्थाएं देखनी चाहिए और अगर कोई कमी है तो दूर करना चाहिए, लेकिन इस तरह से बच्चों को मारना किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी हंसराज की अश्लील चैट वायरल हुई थी और सुर्खियों में बने रहने के लिए हंसराज बयान भी करते रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक ना तो बाल संरक्षण आयोग और ना ही किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल में मारना कानूनी जुर्म है। किरण धांटा ने आगे कहा कि इसकी शिकायत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को की गई है और उनको वीडियो भी भेजी गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी हंसराज को उपाध्यक्ष पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की हरकतें की जा रही है तो उसे इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जाए। देखिए, जो एक वीडियो वायरल हुई है कल, वो मैंने भी देखी और जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर जो आसीन व्यक्ति है वो स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए जाते हैं और जिस तरह की बदतमीजी वो बच्चों के साथ स्कूल में कर रहे हैं, जिस तरह का अभद्र व्यवहार बच्चों के साथ स्कूल में कर रहे हैं और बच्चों के साथ जिस तरह से मार पिटाई उन्होंने की है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही निंदनीय कार्य जो है उन्होंने किया है। क्योंकि देखिए, वो एक संवैधानिक पद पर विराजमान है और एक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और विधानसभा के वो डिप्टी स्पीकर भी हैं। इस तरह की हरकत अगर वो करते हैं तो मैं समझती हूँ इससे बड़े शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती। कहाँ तो उनको एक स्कूल में जाकर एक देखना चाहिए कि क्या वहां पर कमियां हैं। वो वहां जाते स्कूल में, वहां स्कूल की दीवारें देखते, वो देखते कि किस तरह से आज के बच्चे जो है चटाई पर बैठे हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि इस तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। ध्यान गया किस तरह से वो बच्चों के साथ जो हरकत कर रहे हैं, एक बच्ची के साथ जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी की और एक बच्चे के साथ मार पिटाई जो की है। मैं आपको बता देना चाहूंगी, मैं खुद भी राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा रह चुकी हूँ और जिस तरह से उन्होंने बच्चों के साथ मार पिटाई की है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत इसमें दंडात्मक कार्यवाही इनके खिलाफ जो है इमीडिएट होनी चाहिए। लेकिन बड़े ही एक हैरानी की बात है कि ऐसे शख्स पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे तो लगता है कि जो श्री हंसराज जी है वो सुर्खियां बटोरने के लिए ये इस तरह की जो हरकतें हैं वो करते हैं। कभी वो महिलाओं के साथ, आपने देखा कि अश्लील जो टेक्स्ट मैसेजेस है वो उनके वायरल होते हैं, कभी वो मंच से अपने जो अधिकारी है उनको किस तरह से लताड़ते हैं। तो इस तरह की जो बदतमीजी है वो मैं समझती हूँ कि ऐसी जो संवैधानिक पद पर जो आसीन व्यक्ति है उन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और राइट टू एक्ट एजुकेशन जो एक्ट है उसके तहत वो जो कानून की धज्जियां, तो जो कानून में बैठे लोग हैं वो स्वयं उड़ा रहे हैं। तो क्या एग्जाम्पल वो बच्चों को देंगे, क्या वो शिक्षा बच्चों को देंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अनुसार इसमें सजा का प्रावधान है जिसमें कि सजा 3 साल से लेकर 10 साल तक हो सकती है और 5 लाख रुपए उनको जुर्माना हो सकता है।